लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन परमात्मा सदा आपको आदर दिलाएंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस गुरुजी के पास उनकी सभा में एक पंडित गए और वो लॉजिक को बहुत मानते थे, तर्क को बहुत मानते थे, अपने आप को विद्वान समझते थे, लेकिन उनको ये बात खटकती थी कि रामकृष्ण परमहंस गुरु के इतने सारे भक्त हैं, उतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनके इतने सारे फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं इतना बड़ा विद्वान होकर के भी मुझे कोई नहीं मानता। तो उन्होंने एक तरकीब सोची और सोचा कि रामकृष्ण परमहंस गुरु जी के आश्रम में जाकर उनके भक्तजनों के सामने ये अगर वो सिद्ध कर दे कि भगवान करके कोई चीज़ होती नहीं है, तो शायद लोग उन्हें मानेंगे और वो रामकृष्ण परमहंस को हरा सकेंगे। और इस उद्देश्य से वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनकी ही सभा में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को चैलेंज किया कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और वो बड़ा से बड़ा तर्क दे रहे थे कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और रामकृष्ण परमहंस बड़े शांत स्वरूप होकर बड़े प्यार से उनका तर्क सुन रहे थे। और जब वो बड़ी सी बड़ी तर्क दे रहे थे तो रामकृष्ण गुरु जी कह रहे थे, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो खुश हो रहे थे। और ये जो विद्वान थे, इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो रामकृष्ण परमहंस को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो परेशान होकर फिर रामकृष्ण परमहंस को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं, क्या आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बताइए आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जिस चद्दर पे आप बैठे हैं वही मैं खींच रहा हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ये बात साबित करने के लिए कि भगवान नहीं है, और आप सदा भगवान का नाम लेते रहते हो, देवी का नाम लेते रहते हो, माँ का नाम लेते रहते हो, और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आई कैन सी गॉड इन योर लॉजिक, आई कैन सी गॉड फ्लोइंग इन योर वर्ड्स, आई कैन सी गॉड्स प्रेजेंस इन योर यू नो इंटेलेक्ट, आई कैन सी आपके तर्क में मुझे भगवान का अंश नजर आता है। यही कमाल है उन महान लोगों का जिनको ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा होता है। लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन परमात्मा सदा आपको आदर दिलाएंगे। लेट्स आर फेथ ओवरकम आर फियर। तो दोस्तों, आज से हम अपने जीवन में एक नया नजरिया अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में, हालात में, हमारा स्नेह प्यार ईश्वर के लिए कभी कम ना हो, कभी डगमग ना हो। नथिंग कैन चेंज अवर लव फॉर गॉड।